सकता है ये इंडियन नेवी की डीप सी डाइवर्स और मरीन कमांडोज की टीम, मार्कोस की टीम अब यहाँ पर आ गई है। इनके पास वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी है और ये अभी इस स्थिति का मुआयना कर रहे हैं इससे पहले कि ये लोग अंदर जाएं। अब तक कई बार टीम्स अंदर जा चुकी हैं लेकिन सईद उनको सफलता नहीं मिल पाई है। अब तक इसमें 180 मीटर तक उन्हें जाना है लेकिन सफलता लगभग उन्हें 100 120 मीटर तक ही मिल पाई है। और अब ये जो भारतीय नौसेना की टीम है वो टीम अब प्रयास करेगी, अभी उसको पहले रेकी करेंगे। और नौसेना के एक अधिकारी भी हमारे साथ यहाँ पर है। सर, आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि आप लोग का मिशन अभी यहाँ पर क्या होगा? तो शन्नो वरुणा, आप जानते ही हैं ये भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य भी है। तो ये इंडियन नेवी की मार्कोस की टीम अब यहाँ पर आ चुकी है। इनका मिशन खासा कठिन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लगभग 120 मीटर के बाद जब ये लोग उस जगह तक पहुंच भी जाए तो वहां पर जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो एक बड़ी चिंता की बात है। इनके पास जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है वो भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए यहाँ लाया गया है सईद, और उस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के जरिए इनको एक तो अंडर वाटर वेडिंग इनको कर सकते हैं और इस तरह के स्लश में भी जितना भी अगर यहाँ पर कीचड़ भी हो। गौरव, हम आपको रोक रहे हैं, दोबारा आपके पास आएंगे। अमित शाह, लोग